देखा, तू क्रिकेट अंदर खेलेगा और शोर स्टेडियम के बाहर तक जाना चाहिए, तभी खिलाड़ी असली माना जाता है। लेकिन एक चीज का ध्यान रखियो, खानदान की इज्जत तेरे हाथ है, फेल नहीं होना चाहिए। और बेटा बस अब जल्दी से ना पोते का मुंह दिखा दे, जिंदगी के सारे सुख मिल जाएंगे मुझे। क्या मैं आपसे कुछ मांग सकती हूँ? हाँ मांग लो, सब आपका ही तो है। वो क्या है ना कि अभी मैं इन सब चीजों के लिए रेडी नहीं हूँ। तो क्या हम सबसे पहले एक दूसरे को जान लें और अच्छे दोस्त बन जाएं और फिर आगे बढ़े? खानदान की इज्जत जल्दी से ना पोते का मुंह दिखा दे। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? अब तो हम अच्छे दोस्त बनने वाले हैं ना। गूगल पे या फोन पे? बेट पे। ऐसे कैसे? पहले पैसे। क्यों परेशान कर रहे हो, अंदर आने को ना। दीदी को बड़ी जल्दी हो रही है। जीजू चलो, अच्छा चलो अंदर चलो चलो। ऑल द बेस्ट जीजू, ऑल द बेस्ट। ये आपके लिए। थैंक यू। लुक आई वांट कि ना हमारे रिलेशन टिपिकल हस्बैंड वाइफ जैसा ना हो, हमने एक दूसरे को बेस्ट फ्रेंड की तरह ट्रीट करें। व्हाट डू यू थिंक? आई नो आप मेरा पास जाने की कोशिश कर रहे हैं एंड इनडायरेक्टली आप ये भी जानना चाहते हैं कि मैं वर्जिन हूँ या नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, मैं तो जनरल पूछ रहा था ना कि हर किसी का कुछ ना कुछ पास्ट होता है, तो आपका भी कोई पास्ट था क्या? जी नहीं, मेरा कोई पास्ट नहीं है। कोई भी लड़की एक बारी में अपना पास नहीं बताती, पहले तू अपना बताइयो फिर बताएगी वो। अच्छा ओके, सो मुझे बताना था कि मेरा पास था, आई हैड सेक्स इन माय कॉलेज विद अ कॉल गर्ल। ओ अच्छा, तभी मैं सोचूंगी तू भी देखेला लग रहा है शरे। भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। तुम जैसी सेक्सी चीज को भगवान के लिए क्यों छोड़ दो? तुझे तो मैं कच्चा चबा जाऊंगा। हाय दैया। क्या दोस्त का फोन है? फक मैन, स्वागत पे कौन दोस्त फोन करता है? जाओ। बे क्या है भोसड़ी के, स्वागत वाले दिन क्यों फोन कर रहा है? क्या मतलब कैसे मनाऊंगा स्वागत? हाँ तो सर बकवास मत कर, देख ले। अरे बंटी की मम्मी। अरे बंटी तो अपने स्वागत मनाता है और उसे देख के मुझे तो अपनी चौपड़ याद आ गई। तू समझ गया, समझती हूँ, समझती हूँ। थे थर की गई थे, शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे तो लगा तू है यार। तुम सुधरने वाले नहीं हो मुझे पता है, और ये इसको तो मैं। अरे
बहू देख, ये जो लड़की होती है ना, ये एकदम नाजुक कोमल फूल के जैसी होती है ना, और जो लड़के होते हैं वो एकदम फवरे के जैसे, जो कभी भी फूल पर आकर बैठ सकते हैं और कभी भी उनका रस। मम्मी जी, मैं समझ गई। समझ गई? देख, अब तू हमारी फैमिली मेंबर है ना, और हम ही तेरे सब कुछ हैं, तो ये जो जीवन है ना, ये बहुत ही कठिन। मम्मी जी, वो बहुत देर से वेट कर रहे हैं, तो मैं जाऊं? हाँ, चली जाइयो, चली जाइयो। देख, अब तेरे लिए ना ये बहुत ही परीक्षा का समय है। मम्मी जी, मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप क्या कह रहे हैं। देख बहू, मुझे जल्दी से एक पोता दे दे, मैं ना थक चुकी हूँ तेरे ससुर की सेवा करके, तेरे पति को देख देख, इस घर को देख देख, मैं आप और नहीं संभाल सकती, मुझे बस एक पोता दे दे जल्दी से। देख, मेरा कोई भरोसा है? मैं आज जिंदा हूँ, कल मर जाऊँ, अभी मर जाऊँ, इसी वक्त। देख, पोता, देख, पोता, 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 पोता। हाँ, ठीक है ठीक है, अब चुक होगी, वो हो जाएगा। हैं? हाँ। अच्छा, फिर तू जा, 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 जा। तुम्हें पता है मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुम्हें पलकों पे बिठाऊंगा, तुम्हें सर का ताज बनाऊंगा, तुम्हें इस घर की रानी बनाऊंगा। चाचू, आप तो बाहर बोले थे चाची को घोड़ी बनाऊंगा। हमारे यहाँ ना रानी को ही घोड़ी कहते हैं। और वे बहनचोद, कैसी रही सुहागरात? अरे अपने बाप को तो बता दे क्या क्या किया। कुछ भी नहीं किया उस चूतिया ने। चूतिया समझाया क्या? तेरा भाई 4 घंटे तक टिका रहा। 4 मिनट भी नहीं टिक पाया वो। अबे तेरे भाई की फैन हो गई होगी वो, शेर बन के गया था तेरा भाई, शेर पर चूजा बन के निकला। बेस्ट सेक्स, वर्स्ट सेक्स। पहले मैं अच्छा चलो ठीक है, पहले तो